ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी, बड़ा स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल पर। कने ताऊ जी तुम नहा धन्यवाद जी। हाँ जी, का बचपन में ऐसा था ना जी, गरीबी का टाइम था। अच्छा, समय ही ऐसा था गरीबी का। अच्छा, उस टाइम में फीस के लिए पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, तो कहीं से भी बंदोबस्त करके माँ बाप जो थे वो फीस का बंदोबस्त कर लेते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। अच्छा, तो वर्दी का नाम तो दूर था। अच्छा, कपड़ा पहनने जो हुआ था किसी लिए नहीं होता था। अच्छा, कहीं लेना था भाई पुराने कपड़े बनाना, कच्छा बनाना। अच्छा, से कच्छा पहने भी जाना। अच्छा, कने कुछ बच्चे डे भी थे तिना ले तीतर भी उपलब्धि नहीं थी। अच्छा, वो लोग जो मतलब बिना कच्छे के स्कूल जाते थे। अच्छा, नंगे चले जाना स्कूल। नंगे चले जाना स्कूल, लंबे झग्गू था। लंबे झग्गू तो जरूरी था। अच्छा, फिर तीसरे जब भी नहीं होते थे कपीन बोला था पहले के पुराने जमाने जो। अच्छा, वो कपीन हुआ थी, कपीन लगानी मुननी है ने। हाँ, फिर मुननी जरूरी हुई था, इतने से लपेटनी और अपना अंग ढक लेना। कपीन क्या चीज को, कपड़ा कपीन ऐसे कपड़ा है, मतलब वो ज्यादा ज्यादा 4 इंच चौड़ा होता था। अच्छा, लंबा होता था जितनी अपनी जरूरत मुताबिक, आधा मीटर लंबा हो। अच्छा, जिसे लंबे ने मतलब लेड़ा था भाई पीछे खबी लगाई लेनी था आगे खबी लगाई। अच्छा, जो 8 साल के जहाँ थे स्कूल, कहीं 10 साल भी जहाँ था। अच्छा, नंगे चली जाना भाई। नंगे चली जाना, कोई शर्म नहीं। थोड़ा थोड़ा झिझक हुआ थी तो से कपीन पे नहीं ले। अच्छा अच्छा, ये मतलब था कपीन ना। तो ताऊ जी ये कपड़ा जुटाने बड़ा भारी यत्न होता, बड़ा मुश्किल होता था। मतलब हर गाँव में बुनकर हुआ, बुनकर बुनकर बोला है तेना। अच्छा, वो कपड़ा तैयार करा थे। अच्छा, कपड़ा तैयार करना तेना उन्ना रहा। अच्छा, और कपास का धागा बना के हारे बुजुर्ग जो थे धागा तैयार करे ने तिना ले देना। अच्छा, तिना से कपड़ा तैयार करना। पर से था तिया जो बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, मतलब जो समझदार थे 18 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर, तिना जो बना थे कपड़ा एक। अच्छा, जग्गू बुला थे तुझे। अच्छा, से बनाए ने तिना देना, कहना तैयार कर, कपड़ा तैयार करने देना। घरे महारिया दादियां थी, अम्मा होती है, तिना से सुई धागे से तैयार करना। अच्छा, दर्जियां लाओ भी घट जा। ऐसी बात थी भाई, खाना खुड़ा खा लेने, खाने के बाद किसी ले चली जाना घरे। अच्छा, और उस गिठिया बैठी थी पड़ाली मंजरिया बोला है। अच्छा, मतलब रस्सी के साथ तीनों मंजरिया बनानी से पिछानी चारों तरफ और बैठ जाना। अच्छा, फिर पुराने पुराने बुजुर्ग तिनारी मर्यादा बड़ी अच्छी बात थी। वो धार्मिक के बारे में भी ज्यादा जानते थे भाई, कैसे भगवान ने जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, मतलब टेलीविजन कथा चलनी ताऊ जी, एड़ी कथा चलनी। अच्छा, फिर कुछ बोलनी भी बोला थे। अच्छा, एड़े कोई ताऊ जी गाँव कोई 15-15, 20-20 मुंडू बैठिया है कट्ठे, एड़े गप्पा मुंडू मिक्स होना। अच्छा, बुड्ढे भी थे, जनाना भी थी। जनाना भी, जनाना मतलब अपना कतनेरा काम करना। अच्छा, गप्पा मार देना, गप भी मार देना। किसी की मदद करनी होगी तो ताली बोलना भी चला बे फलाने रा खेत रह गया पीछे बाने जो, तो मैं भाई आऊंगा तीसो या तू भी चले सौ चले। कोई घा वगैरह कटने जो रही गया था मदद, ज्वारी हो गया था जी, ज्वारी 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 भी बोला। अच्छा, एक दूसरे की मदद थी, सब करा है, मतलब सब करा है एक दूसरे। तीसरा काम पीछे रही जो मकान लगे बने था, था ईटा भी छड़िया है या रेता छड़िया है, सारी कुछ मदद। अच्छा, रेता रहता तो हुंदा नहीं, मतलब कच्चा होता, कच्ची ईटा या फिर पत्थर हुए थे तीन से तोड़ी ने फलानी जगह रखी थी उधर से लिया होने। अच्छा, फिर मदद मदद हुई, रात रोटियां टिखाने के बाद दो दो हिला, तीन तीन हिला देनिया। अच्छा, और सहारा पारिवारिक काम भी हो जाना, कने गांव वाले जो मदद भी मिली नहीं। हमारे टाइम पे गांव लाइट नहीं थी। अच्छा, ऐसे एक लंफा ने पड़ना। अच्छा, लंफ मिट्टी का तेल वाला हुआ, मिट्टी का तेल पाना फिर तहां से बालना था इतने पड़ना। अच्छा, तिसते पीछे चुल्ली री अग होनी थी या गिठिया लिया बैठे होने लोई री पढ़ाई करनी। अच्छा, पहले तेल भी नहीं मिलता था, बहुत घट मिलता, मिट्टी तेल नहीं मिलता, नहीं मिलता। अच्छा, किसी किसी ले मिलिया था। अच्छा, तीन वाले 4 पैसे होंगे तीन था ली होना। पहले 8 आने की बोतल मिला थी, से मतलब साइज भी तेड़े हुआ था से बोतल मिलनी थी, से महीना भर चलानी। अच्छा, कोशिश करनी भाई महीना भर चली पाओ। अच्छा, ताकि हरा बच्चे पढ़ी जाओ या किसी जो जरूरत पड़ी तो ली हो जाए। अच्छा, ब्याह शादी जब भी तेरी दिक्कत हुई मसाला ने शादियां होनी। अच्छा, तेरी मसाल बैठो बोला ऐसा बंगेठू। हां, बंगेठू ने से मतलब से बाल ने चार, मतलब दो बंदे खड़े कर, खड़े कर देने, दो खड़े कर देने, ता फिर ही पणता अपना लग्न भेद करनी, ता ब्याह संपूर्ण होगा। अच्छा, फिर कुछ दिनों के बाद परिवर्तन आया। अच्छा, फिर पेट्रोमैक्स चल पड़ती तो जो है गैस बोला है। अच्छा अच्छा, गैस ना हुआ था से दूर दूर हुआ था। अच्छा, 302 रुपये राती रे देने। अच्छा, कने तेल अपना देना। अच्छा, ताजे तेल मिलने लग गया था। अच्छा, उससे पहले जब तेल नहीं था या ये थी 65-66 थे पहले की गल। अच्छा, जेड़ा सुन रहा बंगेठू ने 21 इलाके थे दूजे गांव जाना ना, तो बंगेठू होना एक जरिया, मतलब जरिया होना या गोटो पर गोटो बालने। अच्छा, इसलिए जो मिट्टी का तेल होगा ना, तो पहले नौनी नूनी हुआ था। अच्छा,
ਸਿਨੌਣੀ ਵੀ ਘੇਪਰ ਲੱਟਣਾ ਸਿਪ ਗਲੇਰਨਾ ਤਾਤੀ ਤੜੀ ਦੀਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛਾ ਹਰੇਕ ਕੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਥਾ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕੰਨੇ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਧਾਲੀ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਲੱਗਣੀ ਕਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਗਾਸ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਝਪਕ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਸੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਨੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੇ ਜਮਾਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜਕੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਖਿੱਚਣੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚਣੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਬਈ ਆਹ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣੀ मतलब हमारी हरी जमीन जी सुरवाड़ू उस प्रकार की चाय वहाँ थी तीतरा ना ही चाय था सेम मिला थी ज्यादा कने पति औली गल ली तीते बाद आने लगी फिर से ज्यादा तीन ले चार पैसे होने लगे से गुड़ारी चाह बनाने तेना अच्छा चीनी नहीं चीनी नहीं थी चीनी नहीं थी अच्छा यार चीनी यार या शुगर कोई मतलब नहीं था अच्छा तो है गुड़ारी चाह पीने थे ठीक है कोई 17.5 साल च अच्छा भर्ती हुई तो उस टाइम तो जी इतना आज कंपटीशन बहुत आज बच्चे हरेक बच्चा चाह भी कंपटीशन तैयारी आज भी बच्चे बहुत करे बेचारे पूरा खून पसीना लाई ने ना दौड़ा है बेचारे सवेरे उठना 4-5 बजे ना तो उस टाइम भी जरा क्रेज था जी या सुनी मतलब पता था भी भर्ती कोई चीज है अच्छा फिर कई दूर दूर भी जाना पा था अच्छा फिर पर पहले था नहीं था भाई स्टेट केडर नहीं था अच्छा कने एड़ा नहीं था भाई जेना इथर आदमी भर्ती लोकल एड्रेस पर भी भर्ती हो जाए दूर पार तो जी तो भर्ती होना आज तो चल चिट्ठी आने भी फलाना बंदा भर्ती हुई उस टाइम क्या लगा पता भी अहें सिलेक्ट हुई है कने क्या मतलब सौगी दसी दें उस टाइम अच्छा अच्छा हां तीन जी टेस्ट मतलब हुन फिजिकल टेस्ट होना हां जी ध्याड़े पता लगी जाना भाई ना ये पास हुई तब जी तुम भर्ती कितने हुई रहे मतलब मैं राजस्थान राजस्थान में जाके भर्ती हो तो राजस्थान इतने राजस्थान की पहुंचे तुम भर्ती भाई ये मैं इसी भाई मेरे पास कोई इनकम साधन नहीं था परिवार के पास फिर घर में बुढ़े थे 6 बहन भाई थे अच्छा तिनारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल था हाँ जी तो मेरे मन में ये बात अभी हमारे जो पिताजी हैं वो कल्ले तो 6 बहन भाई हारे नाल खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था अच्छा तो मैं क्या किया भाई मेरे और भी साथी थे ये तो पीछे की बात चली प्री 2-3 साथी मेरे और भी थे एक कुलदीप नाम अच्छा सब गया है स्कूल लाते मतलब स्कूल नहीं गए नठी गए थरी भाषा च बोला थरी बोलनी कमी रही है हरी अस घर हा देख देखी भी घर हारा नहीं चलिया करदा मेरे नठिया था जी स्कूला ते स्कूला ते नठिया स्कूला ते नठी ने फिर तिथि तिथि साधन बना क्या है तो 2-3 महीने मंडी लाए तो पैसा जुटाया कराए जो फिर थे हिम्मत की फिर चंडीगढ़ तक चली गए अच्छा घर वाले इस अंतराला बीच घर कुछ पता नहीं कि बच्चे हारे नटोलने की कोशिश की उन्होंने तो अपने पूरा प्रयास किए जितने भी रिश्तेदार थे तिन्होंने बोले भी हर भाव मिल गया कि घर आम गल हुई आम गल हुई था इस टाइम मजबूरी भी हुआ था अच्छा चंडीगढ़ तभी बड़ी भारी परेशानी हमारा भाई एक कांसी राम नाम था अच्छा वो दिल्ली सेटल थे सेटल में नहीं थे लेकिन चलो भी सर्विस करा दे एक था भी आया कोई उम्मीद थी बंदा जाए अच्छा अच्छा तीसरा पुज गया है 2 जने एक तीसरा सगा भाई था कुलदीप एक मैं था शायद हिम्मत की तीसो तीन टसे टूसे लगाए उसे बेच दिया घर मैं बोला मां नहीं जाना भाई घर मैं तीस प्रभ जल तेरे मतलब आ रहे जे खातर आए मैं हाँ? मतलब मैं नौकरी करनी कि अपने मेरे छोटे भाई है पढ़ी जाएंगे तो बहुत बड़ी गल ये अपने मना जी ठीक भावना थी फिर आप तू सुनिए सुनाई नहीं लगे तो राजस्थान भर्ती अच्छा 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 फिर भर्ती बताओ जी राजस्थान उस टाइम में ऐसा था ना भी कोई नेड़ पड़े सरफ जी जहाँ था अच्छा छुट्टी कट्टी ने अच्छा तो दसना भाई फलानी फलानी जगह मेरा भाव भी रहे हैं या फला मेरा लड़का है मेरा भाई रहे तीनों जो सुख शांत देते दे नहीं एक साधन से था अच्छा से पुजाई दिया था या उत खते आने वाले होंगे तो भाई फलानी जगह तो लग रहा भाई मैं हरा भाव भी उठी या हरा मुंडा या भाई आ से बोल दे भाई तीन सारा सुख शांत भी ले दे फिर थर दिलचस्पी भी लेनी भाई आप जहा गलाई बोली ने जाना तू घर चल रहा था सुख शांत दे दिया मेरे घर च अच्छा। चिट्ठी लिखनी होगी तो तेड़ी लिखी थी वो अच्छा। से भेजती एक तो पहले हर लोकल कुठेड़े जाने पौना अच्छा। या गमार जाने पौना अच्छा। उथा टेलीग्राम होने अच्छा
ਪਰ ਸੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਰਵਾਂ ਘਰੇ ਲਿਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ 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 ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੂਹੇ ਰੁੱਧੂ ਟੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਛੂਹਿਆ ਧੂਣੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਗਾਸ ਤੇ ਚਪਕਾਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਰੈਟਰੀ ਕਣਕ ਰੈਟਰੀ ਲੀਡ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਸੇ ਤਿਤਨੇ ਚਮਰੇੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਿਤਨੇ ਚਮਰੇੜੀ ਲੈ ਥੇ ਤੋ ਕਠੇੜੇ ਜਾਣਾ ਕਠੇੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਪੁੱਜਣੀ ਤਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਚੱਕਣਾ ਫਿਰ ਖੋਪਰ ਸੇ ਬਿਸਤਰ ਜਾਣਾ ਸੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਬਦਲੀ ਸਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਖਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਸੌਗੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੀ ਕੋਈ 25-30 ਕਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਥਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਜੇ ਘਰ ਖਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਹਲੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰ ਲੈਣੀ ਆ ਗਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੇੜੀ ਵੀ ਲਈ ਆਉਣੀ ਇਹ ਦੁਧਾਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮਰੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਦੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਹਤਾਉ ਜੀ ਦੁਧਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਪੂ ਚ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਧੀੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਂਟਲੂ ਜਾਂ ਬਾਏ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣੇ ਪਈ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਜ ਰਹਿਨੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੀ ਸੌਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਤੀ ਸੌਗੀ ਵੀ ਸੌਗੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਾ ਹੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਆਹਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਥੇ ਘੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਜਰਖਤੀ ਤੋਂ ਸੌਗੀ ਲੈਣੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਗੀ ਲੈਣੇ ਸੌਗੀ ਲੈਣੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਹਰ ਬੋਲਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਸਾਥ ਮੇ ਲੈਣੇ ਚੱਲੋ ਕਰੇ ਸਜਾ ਹਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਹਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਹਬ ਦੂਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਔਰ ਹਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਕੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ